सपना त्यागी जी का कमेंट है, इंदु कौशल जी का, एकता जी का, मैं सरिता चौहान जी का, तो एपी सिंह का कमेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप एक और ब्लॉग बना रहे हैं हम कमेंट का, तो आप सभी ने बहुत सारे कमेंट कर रखे थे, तो आप सभी के कमेंट का रिप्लाई देते हैं। मैं तो खाता खाता इमली करूंगा कैमरा और मम्मी बोलेगी कमेंट। तो राधे राधे मम्मी, राधे राधे। तो पहला कमेंट है संतोष सचदेवा जी का, मुस्कान की मदर इन लॉ बहुत ही काइंड हार्टेड है, मुस्कान को मामी से मिलने भी भेज दिया, बहुत अच्छी तरीके से सरोज को संभाला, तो थैंक यू संतोष अरोड़ा जी, आपका दिल से धन्यवाद। और वाक्य में ही मुस्कान की सास ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो, हर रोज ना मैं उसको ब्लॉक में नहीं लेती, कभी कभी लेते हैं, हर रोज वो मेरे पास फोन करके सिर्फ यही समझाती है भाई आप ना मालिक पर ध्यान रखो, मालिक सब अच्छी करेगा, और वो भी हमारे लिए इतनी दुआ करती, इतनी दुआ बहुत ज़्यादा। अगला कॉमेंट है आशा सोनी जी का, सरोज जी के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, आप हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, थैंक यू आशा जी। और अगला कमेंट है तो माही दामन जी का ब्लॉग है, सुनीता से अच्छी तो उसकी बेटी मुस्कान है, जो अपनी मम्मी का हाल, मामी का हाल देख के उससे मिलने आ गई, वरना किसी ने भी इनसे मिलने की कोशिश नहीं की, ना अरमान ने ना किसी और ने। तो देखो जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनीता दीदी की खुद की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, उसका फ़ोन आया था, हिमांशु से बात हुई थी, और अरमान के भी डेली फ़ोन आते हैं, क्योंकि पायल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए वे मिलने नहीं आ सके। तो अगला कमेंट है पूर्णिमा अरोड़ा जी का, सरोज बेटा आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, गोलू जैसा समझदार बच्चा किस्मत वालों को नसीब नसीब होता है, आप कालू की चिंता मत करो, अपने बच्चों का साथ दो, सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू पूर्णिमा जी, आपका भी दिल से धन्यवाद, आपने हमें अपनी हिम्मत और शक्ति दी। अगला कमेंट है पूजा जी का, नसीब वालों को ऐसे बच्चे मिलते हैं, इतने समझदार, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अगला कमेंट है प्रीत कुंवर जी का, जो दुख के टाइम साथ खड़े होते हैं, वो जाए वो ही अपने होते हैं, ऐसे रिश्तेदार बहुत कम हैं आज के टाइम में, और सरोज भाभी जी आप रोते हुए नहीं हंसते हुए अच्छे लगते हैं, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको गोलू जैसा बेटा मिला, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू प्रीत कुंवर जी। अगला कमेंट है जय श्री जी का, सरोज जल्दी से अच्छे हो जाओ, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, हमेशा खुश रहो, तो थैंक यू जय श्री जी। अगला कमेंट है मोहित मोहित जी का, जय श्री श्याम, श्याम बाबा आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, थैंक यू मोहित जी। अगला कमेंट 1 2 3, प्लीज आंटी रो मत, आप स्ट्रॉन्ग लेडी हो, आपने अपने बच्चों बच्चे बना दिए हैं, गोलू बहुत ही समझदार है, बच्चे समझदार बच्चा है, पूरा फैमिली संभाल रखा है, तो थैंक यू जी। अगला कमेंट है यूजर जे सी का, गोलू बहुत ही समझदार बच्चा है, यहाँ अपनी फैमिली को संभाल। तो अगला कमेंट है निपुर चौहान जी का, सरोज जी आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पूरा हेड टू मुश्किलों के दिन भी आगे सब अच्छा होगा, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, बस ध्यान रखो, थैंक यू जी। अगला कमेंट है एकता जी का, हिमांशु बहुत अच्छा बेटा है, थैंक यू एकता जी। सपना त्यागी जी का कमेंट है, मुस्कान एंड हर इन लो बहुत अच्छे हैं, आप सब हमेशा खुश रहो, भगवान आपको सब खुश, भगवान आप सबके दुख दूर करे, आपको बहुत सारी खुशियां दे, लव यू ऑल, तो थैंक यू जी। अगला कमेंट है इंदु कौशल जी का, भाभी जी आप मत रोया करो, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, आपको और गोलू को पहले वाले ब्लॉक में रोता देखकर मन बहुत दुखी हुआ, अच्छा लगा मुस्कान को आपके ब्लॉक में देखकर, वो ब्लॉक नहीं बनाते अब, मिस कर रही हूँ उनके ब्लॉक, उनकी फैमिली अंकल जी और आंटी जी को, आप सब अपना ध्यान रखो, अपनी दवाई टाइम पर खाओ आप भाभी जी, तो थैंक यू इंदु कौशल जी, आपका दिल से थैंक यू। अगला कमेंट नीलम जी का, सिमरन मुस्कान को देखकर बहुत अच्छा लगा, मामी को देखने आए, हर मदर इन लो आल्सो वेरी नाइस, गोलू बेटा तुम सब मुस्कान की सिटी में ही शिफ्ट हो जाओ, दुख में जो काम आए वहीं अपना, ऐसे में सपना सुनीता को भी आके बच्चों और भाभी को देखना चाहिए था। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, देखो सपना दीदी और सुनीता दीदी को टाइम नहीं था,
और मुस्कान का मन कई दिन से कर रहा था मिलने का, वो मेरे को बुला रही थी मामी जी आप आ जाओ, और मेरा जाने का भी पूरा प्रोग्राम हो चुका था, पर वो प्रोग्राम किसी वजह से, जो वजह आपको पता, कैंसिल हो गया था। तो गाइज आप बार बार कहते इधर चले जाओ उधर चले जाओ, और हमको बुला भी रही है। देखो आप समझदार हो, आप ये बताओ हम किसके सिर पर बोझ बन के रह सकते हैं? तो किसी के सिर पर भी भार बनकर बोझ भरकर नहीं रह सकते। हम धीरे धीरे देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए। हाँ थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होगी, हम सभी से ले। परमेंद्र जी का कमेंट है, दीदी दीदी सरोज मेरा कमेंट जरूर रीड करना। गोलू गोलू पुट बहुत समझदार है, गोलू बेटा बहुत समझदार है। रब बेटा दिल लंबी उम्र करे, रब बेटा दे लंबी उम्र करे, ऐसे लिख रखे बेटा। हाँ तो परमिंदर जी थैंक यू। अगला कमेंट है इंदर, इंदर जी का, आपके ब्लॉग मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ ताकि वो भी स्ट्रोंग हो गोलू जैसा। गुड बेटा, मम्मी को हौसला दो, आपकी मोम को देखकर लगता है मैं ही हूँ, कीप इट अप बेटा जी। तो थैंक यू जी। अगला कमेंट है एकता जी का, मैं गोलू और फैमिली को सक्सेस होते देखना चाहती हूँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू एकता जी। अगला कमेंट है सरिता चौहान जी का, हासी में आपका घर कहाँ है और फोन नंबर बताओ, मैं भिवानी से बोल रही हूँ। तो देखो जी सरिता जी, फोन नंबर आप ना हिमांशु की आईडी पे डीएम कर देना, हिमांशु की आईडी पे आपको फोन नंबर मिल जाएगा, और हासी में बस स्टैंड पे आके आप कॉल कर सकते हो अगर आपको हमसे मिलना है तो, और कभी भी आओ आपका वेलकम है। अगला कमेंट है ज्योति शर्मा जी का, नमक को तवे पे गर्म करके कॉटन के कपड़े में पोटली बनाकर उस पोटली से सेक लो, मुस्कान की गर्दन ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू ज्योति शर्मा जी। अगला कमेंट है मीनाक्षी जी का, आप जैसे बेटा ही हो सभी मम्मी को। तो थैंक यू जी, मेरे जैसे बच्चे आप सभी के पास हैं, आप बस उनको थोड़े से और वो करो। सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, जैसे देखो मेरे बच्चे हैं ना आपको अच्छे लगते हैं, वैसे मैं मेरे को भी आप हाँ, जैसे मम्मी मार को मारते हैं ऐसे आप मारो। तो देखता रानी जी का, गोलू आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू जी। अगला कमेंट है सोनिया सिंह जी का, वेरी नाइस गोलू बेटा, गॉड ब्लेस यू, राधे 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 श्याम जी। थैंक यू जी। अगला कमेंट है पूनम जी का, सरोज जी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आपके बच्चे भी बहुत समझदार है। थैंक यू पूनम जी। अगला कमेंट है हरियाणवी भजन, गोलू बेटा बहुत संभल कर रहना और अपने घर वालों का ध्यान रखना, अब तुम ही घर के बड़े हो और मम्मी को भी संभालो। तो थैंक यू जी। कमेंट है जय निंगानिया जी का, गोलू आपकी एज मस्ती करने की है बट बेटा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप समझदार हो, कोई कोई अंकल बुला किसी का नहीं होता, दुनिया में सब स्ट्रोंग रहो, भगवान आपको देख रहा है। तो एपी सिंह का कमेंट है, बेटा आप बहुत हिम्मत वाले हो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, आप जैसे बेटा हर माँ के घर में, घर बहुत दुखी दुनिया देखी है मैंने पर आप जैसा फैमिली कहीं नहीं, सल्यूट है उसे माँ को जिसने आपको संस्कार दिए। तो थैंक यू हैप्पी जी। अगला कमेंट है मोना जी का, गोलू बेटा जैसे सबको देखा बहुत दुख, बाबू बहुत स्ट्रोंग बनो, रोना नहीं, भगवान आपको संस्कार की खुशियाँ दे, संसार की खुशियाँ दे। थैंक यू जी। जसप्रीत जी का कमेंट है, सो सैड बेटा, फॉर यू बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर योर फैमिली, अपने फादर को रिहैब सेंटर में रखो, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं, ये तो हिमांशु वैसे ही बोल रहा है। सच्ची में नहीं ली भाई, सच्ची में। क्या? सच्ची में नहीं ली थी दवाई। दवाई ले लिया तो आंटी? हाँ। तो रीना जी का कमेंट है, रीना जी ने कमेंट किया है इंग्लिश में, तो मेरे को इतनी तो समझ नहीं है, पर जैसे भी बच्चों ने बताया तो उन्होंने ये बोला भैया आपके बच्चे सेम हमारे बच्चों जैसे हैं, हमने भी बचपन में यही देखा था और आपके बच्चे भी यही हैंडल कर रहे। तो थैंक यू जी। और जो इतने सारे कमेंट आए, सब ने हमें इतनी हिम्मत और हौसला दिया है, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू, आप जोड़ कर थैंक यू। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहोगे ना, हमको सपोर्ट करोगे, तो हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और सिर्फ हमने आपकी हेल्प की ज़रूरत है और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोच रहे हैं आप हेल्प करोगे ना तो हम कहीं ना कहीं और सेटल हो जाएंगे। तो इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट इतने अच्छे अच्छे कर रखे हैं, जिनसे ना बंदे का ना दिल, अगर कोई नहीं भी रो रहा ना तो भी रोने लग जाए। तो जो हमारे
3 दिन पहले कम से कम 700 कमेंट आए हुए थे। देखो मैं सबके तो पढ़ नहीं सकी, पर सभी को दिल से धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया, इतनी हिम्मत दी। और कल वाले में भी बहुत ज़्यादा कमेंट थे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो और हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इसके लिए अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।